कल से यूपी सरकार के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योजनाओं की देंगे जानकारी। यूपी में सभी मंत्री देंगे योजनाओं का अपडेट। कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाएगी जानकारी। कल यूपी के दोनों डिप्टी सीएम करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। स्वतंत्र देव सिंह और जितेंद्र प्रसाद भी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो बड़ी खबर है, यूपी में सभी मंत्री योजनाओं का अपडेट देंगे। 100 दिन का वक्त दिया गया है। 100 दिन के दौरान जो भी कार्य करने हैं उसको लेकर के अपडेट दी जाएगी और कल से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। यूपी सरकार के सभी मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। खबर रायबरेली से, जहां शराब माफिया की संपत्ति कुर्क की गई है। करीब 2.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने के बाद सील कर दी गई है। अमन जायसवाल और उसके भाई पर कई मुकदमे भी दर्ज हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जा चुकी है। रायबरेली में शराब माफियाओं की करोड़ों रुपए की संपत्ति को कुर्क करते हुए सील कर दिया है। अमन जायसवाल उर्फ शिवम, उसके भाई कोमल जायसवाल उर्फ अंकित के ऊपर अवैध शराब के धंधे को लेकर न सिर्फ कई मुकदमे दर्ज थे, साथ ही गैंगस्टर की कार्रवाई भी अमल में लाई जा चुकी है। सीओ सदर वंदना सिंह शहर कोतवाल राघवन सिंह के साथ इन शराब माफियाओं के घर पहुंची और मुनादी करवाते हुए इनके दो घरों और राही कस्बे में मौजूद एक दुकान पर जमीन, जिनकी कुल अनुमानित लागत लगभग 2.25 करोड़ है, उन्हें कुर्क करते हुए सील कर दिया। मौके पर मौजूद उनके परिजनों को आदेश की कॉपी भी मुहैया करा दी गई। यहाँ पर ये गया प्रसाद जायसवाल हैं, उनके पुत्र हैं अमन जायसवाल और कोमल जायसवाल, जिन पर कई अभियोग पंजीकृत हैं। विशेष रूप से ये अवैध शराब की बिक्री का अभियोग पंजीकृत था, जिसके अंतर्गत 14-1 की कार्रवाई की जा रही है। 14-1 के अंतर्गत 2.29 करोड़ की लगभग इनकी संपत्ति, जो माना जा रहा है कि अवैध कमाई से अर्जित की गई है, उसकी कुर्की की कार्रवाई की जा रही है। वहीं रामपुर में अवैध इमारतों पर बुलडोजर चला है। 5 इमारतों को ध्वस्त किया गया है। तालाब पर कब्जा कर बनाई गई इमारतें एसडीएम और पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई की गई है। रामपुर के नगर शाहबाद में तालाब को पाट कर खड़ी की गई अवैध इमारतों पर बुलडोजर चला दिया गया है। 5 इमारतों को एसडीएम ने खुद खड़े होकर पुलिस की मौजूदगी में ध्वस्त करा दिया। प्रशासन की कार्रवाई से अवैध कब्जेदारों में खलबली मच गई। कई कब्जेदार खुद ही अपनी बिल्डिंग ढहाने में जुट गए। बता दें कि नगर और क्षेत्र के अधिकतर तालाबों पर लेखपालों की मिली भगत से अवैध कब्जा किया गया था। खबर कानपुर से, जहां मरीज की मौत को लेकर हंगामा किया गया है। परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ भी की है। हाथ में फ्रैक्चर होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया था और ऑपरेशन के बाद अचानक से तबियत बिगड़ गई और कानपुर में मरीज की मौत हो गई, जिसकी वजह से परिजनों ने हंगामा किया। मामला बर्रा 6 में स्थित सत्या हॉस्पिटल का है, जहां हाथ में फ्रैक्चर का ऑपरेशन कराने आए मरीज के ऑपरेशन के दौरान अचानक तबियत बिगड़ी और मरीज की मौत हो गई। मरीज की मौत के बाद अस्पताल के सभी डॉक्टर स्टाफ फरार हो गए, जिसके बाद परिजनों ने जमकर अस्पताल में हंगामा तोड़फोड़ कर दिया। हंगामा बढ़ता देख पुलिस भी मौके पहुंच गई और सभी को शांत कराने का प्रयास किया। देखिए अग्रवाल, उनका हाथ में फ्रैक्चर हुआ था, ऑपरेशन होना था, ऑपरेशन आज कल एडमिट कराया था और आज ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन हुआ 2 बजे के आसपास। ऑपरेशन के बाद जब बाहर आए तो बेहोश थे, एनेस्थीसिया तो लगा ही होता है, लेकिन उसके बाद उनके धीरे धीरे पल्सेस अपने आप गिरने लग गई। तो हमने डॉक्टर से बोला तो डॉक्टर साहब अपना जितना 2-4 आए और उसके बाद देख देख के उन्होंने अपना निकल लिया वहाँ से। तब भर्ती कराया तो कितनी बड़ी लापरवाही है? ये लापरवाही तो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी लापरवाही यही है। एक सिर्फ हाथ की कोहनी की हड्डी टूटने से किसी की डेथ हो जाए तो ये आप खुद समझ सकते हैं कितनी बड़ी लापरवाही हो गई है। लगभग 57 साल के एक प्रदीप कटियार जी हैं, उनके बेटे अमन कटियार की तरफ से एक तहरीर दी गई, उनके द्वारा ये बताया गया कि पिता का आज कोहनी का ऑपरेशन होना था, जिसमें उपचार सही से न होने के कारण उनकी मृत्यु हुई। इस संबंध में उन्होंने जो है कभी एक तहरीर दी है, तहरीर प्राप्त हो गई, बॉडी को जो है पंचायतनामा कर जो है पीएम के लिए मोर्चरी भेजा गया, जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई हो कीजिए। मामले विवाद में युवक को गोली मार दी गई। युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं चचेरे भाई पर ही गोली मारने का आरोप लगा है। मुजफ्फरनगर के जानसठ थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है। थाना क्षेत्र में सहोजनी गांव में दो चचेरे भाइयों के बीच में आपस में विवाद हुआ, जिसमें एक भाई द्वारा दूसरे को गोली मार दी गई है, जिसको जो है जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है।
और इनमें जो विवाद है वो नाली की सफाई को लेकर विवाद हुआ, खेतों के बीच में नाली की सफाई को लेकर विवाद हुआ। एक भाई जो है उसको मना कर रहा था, दूसरा भाई जो है उसकी सफाई का जो अवशेष थे उसको खेतों में डाल रहा था, इसके लेकर के ही इसमें विवाद हुआ और उसमें एक भाई के द्वारा दूसरे को गोली मारी। हालत कैसी है घायल की? अभी तो मजरूह की हालत गंभीर है, अब चिकित्सा की जा रही है उसकी। कोई गिरफ्तारी हुई है? अभी गिरफ्तारी नहीं है, अभी थाने में भी तहरीर भी नहीं है, जैसे ही तहरीर आती है मुकदमा भी। और जालौन में न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। सामूहिक नकल मामले में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने बड़ी कार्रवाई की है। बाबू चंद्रशेखर राम भरोसे तिवारी महाविद्यालय 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है। केंद्र व्यवस्थापक और कक्ष निरीक्षक को 5 साल के लिए ब्लैक लिस्ट किया गया है। गणित और वनस्पति विज्ञान की दोनों विषयों की परीक्षा भी निरस्त कर दी गई है। ये दोनों विषयों की परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। बीएससी तृतीय वर्ष की वनस्पति और गणित की परीक्षा सोशल मीडिया पर सामूहिक नकल कराने का वीडियो वायरल हुआ था। तो विश्वविद्यालय ने गणित और वनस्पति विज्ञान की दोनों विषयों की परीक्षा को निरस्त कर दिया है। सामूहिक नकल कराने का वीडियो वायरल हुआ था और अब बताया जा रहा है कि दोबारा कराई जाएगी बीएससी तृतीय वर्ष के वनस्पति विज्ञान और गणित की परीक्षा। बागपत में तौल लिपिक से मारपीट करने के विरोध में तौल लिपिकों ने 7 दिन तक गन्ना तौल केंद्र बंद करने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि 6 से अधिक लोगों ने गन्ना तौल लिपिक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा था। मारपीट का शिकार हुए तौल लिपिक ने बागपत कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। साथ ही आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर तौल लिपिक ने काम बंद करने की घोषणा करते हुए कार्रवाई को लेकर तौल लिपिकों ने थाने पर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद गन्ना सेंटर पर काम बंद कर दिया गया। 7 दिन तक बागपत के सभी गन्ना तौल केंद्र बंद रहेंगे। गन्ना तौल बंद होने से किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। हमारे चीनी मिल के गन्ना क्रय केंद्र बिहारीपुर पर हमारे तौल लिपिक श्री प्रवीण कुमार को 2 किसानों ने कुछ उनके साथ अज्ञात किसान थे जिनका 2 का वो नाम जानता है, एक का नाम बसंत कुमार है, एक का नाम जो है तुषार कुमार है, सनो फरवीर सिंह बिहारीपुर के हैं, जो इनके पास अपना गन्ना नहीं है, गन्ना खरीद कर लाते हैं वो बाहर से। और वे परसों एक बुग्गी गन्ना लाए थे, उसको परसों पर्ची दे दी गई थी, लेकिन आज वो बिना गन्ने के पर्ची लेने आए अपनी कि हमें एक पर्ची और चाहिएगी बिना गन्ने के। वो हमारे बाबू प्रवीण कुमार ने देने से मना कर दिया, उनको समझाया भी बहुत लेकिन वे नहीं माने, गाली गलौज पर उतारा हुआ आगे उसके साथ और चौकीदार के साथ दोनों के साथ मार पिटाई करी, उनके कपड़े फाड़ दिए और उनको लात घूसों से मारा। HSC मशीन जो हैंड होल्ड कंप्यूटर हमारा है, जो पर्ची जिससे चीनी मिल की पर्ची कटती है, पर्ची दी जाती है, वो तोड़ दी, वेट मशीन फोड़ दी और उसकी जेब में जो पैसे थे वो पैसे निकाल लिए। 2800 रुपये उसकी जेब में बताए उसने, जो थे मेरी जेब में वो निकाल लिए। कब से कर रहे हैं ये? क्या जी? ये लिए जो गन्ना किसान है और जो जिनका आप बता रहे हो ये पहले से कर रहे हैं, लेकिन जो पहले थे और उनके जो अभी तक जब तक ये नहीं पता चला था कि बाहर का गन्ना लाते हैं, कर ये शुरू से रहे, इनकी जमीन जो है भट्टे में गई। और इस बुलेटिन में साथ इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।